हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाशवाड़ी हेजिंग में मसीमा। आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ 7 डे स्किन केयर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आपके स्किन को बहुत ही अच्छी तरीके से ग्लोई किया जाएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से पैम्पर किया जाएगा, अंदर से डीपली क्लीनिंग का हम काम करेंगे। फर्स्ट डे, सेकेंड डे आपका इस तरीके से 7 डे कंटिन्यूटी में आपके साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ स्किन के आपकी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए एक छोटी सी सीरीज, जिसमें आप लोग के साथ में मैं शेयर करूंगी आपकी ऑल टाइप स्किन के लिए सारे प्रोडक्ट। आप लोग चाहें तो इस चीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जितने लोग भी करना चाहें कर सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से और बहुत ही अच्छी ये रेमेडीज हैं जो आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। रिजल्ट्स इसके बहुत अच्छे हैं। जब आप इसको यूज करोगे कंटिन्यूटी में, तो आपको बाहर की चीजें नहीं लेनी है और आपको केवल घर की चीजें यूज करनी है, ठीक है। आपका खुद का फेस वॉश रहेगा, आपका खुद का मॉइस्चराइजर रहेगा, आपका खुद का फेस मास्क रहेगा और सारी चीजें हम घर पे बनाएंगे, ठीक है ना। तो आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ सबसे पहले एक टोनर और उसके बाद से आपकी एक मसाज क्रीम, जिसको आपको 3 बार मसाज करना है, एक सुबह में, एक दोपहर में और एक शाम में, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी आपका मॉइस्चराइजर। इस तरीके से हमारी सारी स्किन की जो चीजें हैं, जो जो हम यूज करने वाले हैं, वो सारी चीजें मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। हमारे फेस पे मिलाजमा की प्रॉब्लम, स्किन लाइटनिंग की प्रॉब्लम, स्किन टाइटनिंग की जो समस्या होती है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी स्किन बहुत ज्यादा लूज हो जाती है, लटक सी जाती है, अजीब सी लगती है, वो इसलिए लगती है क्यों, क्योंकि आप बहुत सारी चीज बाहर की यूज करते हो, आप हमेशा गलती करते हो, बाहर का फेस वॉश यूज करते हो तो आपकी हेयर लाइन खत्म हो जाती है, जब भी आप फेस वॉश करते हो तो जो फॉर्म बनता है वो साइड साइड में जाता है, और आपको पता है कि मार्केट में जितने भी फेस वॉश होते हैं उन सब में केमिकल होता है जो हमारी हेयर लाइन पर जाकर हमारे बालों को टकला कर देता है, हमें टकला कर देता है, हमारे बालों को नहीं, हमें टकला कर देता है, हमारी हेयर लाइन को बिल्कुल हल्का कर देता है, जिससे हमारा माथा जो होता है बहुत ज्यादा ब्रॉड लगने लगता है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप बाहर का फेस वॉश यूज मत करें, आपको फेस को क्लीन ही तो करना है। फेस वॉश आपको कभी गोरा नहीं बनाता, आपके फेस से गंदगी को रिमूव करता है। तो आप घर का फेस वॉश बनाकर यूज करें, आप सोप बनाकर यूज कर सकते हैं। तो इस सीरीज में मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी आपका हर एक चीज, हर एक प्रोडक्ट आपके फेस के अकॉर्डिंग समर स्पेशल, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं आज का जो हमारा मसाज क्रीम है वो कैसे बनेगा और हमारा जो फेस टोनर है वो कैसे बनेगा। टोनर को यूज करने का तरीका बता देती हूँ। टोनर आपको दिन में 4 बार लगाना है, एक मॉर्निंग में, एक आफ्टरनून में, एक आप इवनिंग में लगाओगे और एक आप नाइट में लगाओगे जब आप सोने जाओगे। ये टोनर आपके फेस से जितने भी डार्क स्पॉट हैं उनको दूर करेगा, ऑयली स्किन की जो समस्या है उसको ठीक करेगा, ओपन पोर्स की जो समस्या है उसको ठीक करेगा। ये 7 डे चैलेंज है जिसमें आपकी स्किन टाइट भी होगी, ब्राइट भी होगी और आपकी स्किन में बहुत ही अच्छा कसाव आना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी स्किन ऊपर की ओर लिफ्ट होना भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। साथ में आपको इसमें 2 चीज करनी है, एक तो सौंफ का टी लेना है, वो भी मैं आप लोग के साथ में ब्लॉग चैनल पर शेयर करूंगी, तो आप लोग सीमा ब्लॉग को जरूर से जरूर वॉच करें। तो सौंफ की टी कैसे बनानी है वो मैं आप लोग के साथ में ब्लॉग चैनल पर शेयर करूंगी, तो उसको आप लोग विजिट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा चीज ये कि आपको एक नारियल पानी पीना ही पीना है, सुबह में या शाम में कभी भी आप ले लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं हमारा जो मसाज क्रीम और टोनर है उसको कैसे प्रिपेयर करना है, करने का तरीका, लगाने का तरीका तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है। तो चलिए देख लेते हैं इस टोनर को कैसे बनाना है और हमारी मसाज क्रीम, ठीक है ना। सो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले हम स्किन वाइटनिंग और ब्राइटनिंग टाइटनिंग क्रीम बनाने के लिए लेंगे। ये स्पेशल आप लोगों के लिए मैं ईद स्पेशल शेयर कर रही हूँ, जिसमें आप लोग हर एक चीज़ को करें और अभी ईद का टाइम है तो आप लोग इसको यूज़ करें, आप लोग को रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे क्योंकि इसके रिजल्ट्स हैं ही इतने अच्छे। और एक मेरे पास एक डिमांड आ रही थी कि दीदी अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के लिए कुछ अच्छा सा बताइए, तो मैंने एक अच्छा सा ट्रीटमेंट अपने ऊपर स्टार्ट किया है और उसको यूज़ कर रही हूँ, आप लोग के साथ मैं कुछ टाइम बाद शेयर करूँगी। थोड़ा सा पेन वाला है बट हाँ ये है कि अगर आप उसको में यूज करते हो तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो आपको यहाँ पर लेना है 2 चम्मच दही और उसके बाद से आपको लेना है यहाँ पर इस क्रीम को बनाने के लिए, मसाज क्रीम को, आपका 1 चम्मच के करीब आपका शहद, ठीक है। शहद में और दही में लैक्टिक एसिड होता है, शहद आपकी स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा यूज़ होता है और जब दही और शहद का मिक्सचर बनता है तो बहुत अच्छी वाइटनिंग और ब्राइटनिंग आती है। आपको विश्वास नहीं है तो 7 दिन लगाकर देखिएगा 3 टाइम, ना आपकी शक्ल और आपकी जो कलर है उस पर फ़र्क पड़ जाए फिर आप बताइएगा आकर के, ठीक है ना। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, आप इसको एक बार बना करके 2 दिन यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फ्रिज में रखना है फेस से रिलेटेड कोई भी चीज़। तो आपको यहाँ पर लेना है एक कुकुम्बर बिल्कुल फ्रेश वाला, आप चाहें तो इसको छील लें और आप चाहें तो ना भी छीलें।
अगर आपका जो छिलका है, जो उसका छिलका होता है कुकुम्बर का, उसका जो स्किन होती है ऊपर वाली, वो अगर बिल्कुल फ्रेश है, ताजी है, तो आप उसको ना छीलिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर अब वो फ्रेश नहीं है, थोड़ी सी सूखी हुई है, तो आप उसको छील ले तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद से हम यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से स्क्वीज़ कर लेंगे और जो इसका जूस है वो निकाल लेंगे, ठीक है। इस कुकुम्बर को आपने जो ग्रेट किया हुआ है, इसके मिक्सचर को आप फेंकिएगा नहीं, इसको आप क्या कर सकते हो, आप इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से ग्राइंडर में डालकर पीस लें एक आलू के साथ में, और उसमें आप थोड़ा सा डाल दें अपना स्वीट आलमंड ऑयल और आपका आलू का और थोड़ा सा आपका कुकुम्बर का जो बचा हुआ स्ट्रैक है, ठीक है। उसके बाद से उसको आप आई पैड के थ्रू अपने आँखों पर लगाकर और आधे घंटे के लिए रेस्ट लें, उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर हम टोनर बनाने के लिए, ये जो टोनर मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ कुकुम्बर का टोनर, इसको बनाने के लिए आपको कुकुम्बर जूस लेना है, उसके बाद आपको 5 से 6 चम्मच के करीब रोज़ वाटर लेना है, 1 टेबल स्पून आपको लेना है एलोवेरा जेल। आप यहाँ पर फ्रेश वाला एलोवेरा जेल यूज़ करेंगे वो भी अच्छा है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर यह है आपका ग्रेप सीड ऑयल। ग्रेप सीड ऑयल नहीं है आपके पास तो आप यहाँ पर 2 से 3 विटामिन ई इवियन कैप्सूल डाल सकते हैं, स्वीट आलमंड ऑयल डाल सकते हैं। बट अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, अगर आपके पोर्स बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, लार्ज पोर्स हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर ग्रेप सीड ऑयल यूज़ करते हो तो वो बहुत अच्छा होता है, आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद से हमने यहाँ पर डाला है सन टैनिंग से और सन रेज से बचने के लिए आपका कैरेट सीड एसेंशियल ऑयल। कैरेट सीड एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप यहाँ पर कैरेट का जूस भी ऐड कर सकते हैं, या आप एक इसमें विटामिन सी टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं, सेलिन टैबलेट, ठीक है ना। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और एक आपका स्प्रे बॉटल में इसको हम डाल देंगे, और डाल करके अच्छी तरीके से इसको आप शेक करके अपने फेस पे लगाइए। जब भी आप इसको यूज़ करोगे तो आप शेक करिएगा, और शेक करने के बाद ही इसको आप यूज़ कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया झाग आ रहा है। तो इसमें अभी हम थोड़ा सा अपना रोज़ वाटर, जो मार्केट का रोज़ वाटर होता है, घर का रोज़ वाटर होता है, दोनों ही आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। घर के जो वाटर होते हैं रोज़ वाटर, वो आप खुद फ्लावर से बनाते हो, और जो बाहर के होते हैं वो लोग स्ट्रैक का यूज़ करते हैं तो अच्छा होता है, बट वो लोग इसलिए स्ट्रैक का यूज़ करते हैं क्योंकि अगर आप घर का बनाकर बाहर बेचते हो उसको सील करके, तो वो ख़राब हो जाता है, उसकी जो लाइफ होती है वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि हम उसमें प्रिजर्वेटिव का यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर आपके पास घर का रोज़ वाटर है वो बहुत अच्छा होता है, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। इससे आपके लार्ज पोर्स की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, रिंकल्स की प्रॉब्लम जो होती है वो भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि कुकुम्बर और आपका जो रोज़ वाटर है और ग्रेप सीड ऑयल का जो मिक्सचर है और एलोवेरा का जो मिक्सचर है, बहुत अच्छा मिक्सचर होता है और बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देने वाला होता है। तो आप इसको इस ईद में बनाइए और अपने ईद में इसको आप बनाकर यूज करें, जो लोग भी यूज करें हमारे साथ में, अपनी फैमिली समझ करके आप लोग फोटोज़ वगैरह आफ्टर बिफोर की शेयर किया करें, जिससे आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूंगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारी फैमिली से हर दिन नए जुड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो टोनर है बिल्कुल बढ़िया सा बन के रेडी है, बिल्कुल समर स्पेशल, समर में इसको आप यूज़ कीजिए, बेफिक्र होकर यूज़ कीजिए। अगर आपके पास सनस्क्रीन नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप वाटर बेस्ड सनस्क्रीन लगाइए, स्प्रे करके आपके फेस पर बहुत जल्दी से एग्जॉर्ब हो जाएगा, बहुत अच्छे से पेनिट्रेट होगा और आपकी स्किन पर ग्लोई इफेक्ट भी लाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन चुका है, अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसको फ्रिज में रखकर स्टोर करना है 1 मंथ के लिए, दोनों चीजों को आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फेस टू फेस बात करते हैं। तो गाइस देखा आपने, हमारा जो फेस टोनर है वो भी बनके रेडी हो चुका है, बिल्कुल नेचुरल समर स्पेशल, आपके फेस को कूलिंग इफेक्ट देगा। अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है या ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है वो भी आपकी सही हो जाएगी, ठीक है। जो हमारी मसाज क्रीम है इसको आप जो फर्स्ट डे लगाओगे, फर्स्ट टाइम लगाओगे, एक बार आपको 3 बार यूज करना है, एक दिन में आपको इसको 3 बार यूज करना है। जब आप इसको फर्स्ट टाइम यूज करोगे तो आपको बाल, आपके फेस पे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है, ग्लो बहुत अच्छा आएगा। अभी मैंने एक फोटो डाली थी अपनी इंस्टाग्राम पे और भी जगह डाली है, तो वहां पर सब लोगों ने कमेंट किया कि आपकी स्किन इतनी ज्यादा ग्लोई कैसे लग रही है। तो मैंने अपना स्किन ट्रीटमेंट किया है, 7 दिन मैंने खुद यूज किया है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। और आप लोग जब करोगे मेरी, आप लोग शॉर्ट वीडियो देख लेना, शॉर्ट वीडियो जब भी मैं बनाती हूँ तो बिना मेकअप के ही बनाती हूँ, ऐसी उठ के आ जाती हूँ, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो आप लोग इस चैलेंज को कीजिए, जो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक बार हाजिरी लगा दीजिएगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो अपनी सलामती के लिए आप लोग अपने घर पे रहें, कहीं भी मत निकलें। डिलीवरी जो भी चीज़ें आपको लेनी है वो डिलीवर हो रही है purple.com से, अमेजोन से भी हो रही है, तो आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय।